अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल लर्न दी एमएस वर्ड। इन एमएस वर्ड वी विल लर्न दी कैरेक्टर स्पेसिंग। व्हाट इज कैरेक्टर स्पेसिंग? लफ्ज़ों और लाइनों के दरमियानी स्पेस या लाइन की पोजीशन को तब्दील करने के लिए हम लोग कैरेक्टर स्पेसिंग को यूज करते हैं। चेंजिंग द स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर विल मेक योर टेक्स्ट लुक बिगर एंड बोल्डर विदाउट एक्चुअली इंक्रीजिंग द साइज। Alternatively, condensing the text will compose your text to fit into a smaller space. हम लोग किस तरह से करेक्टर स्पेसिंग कर सकते हैं? सेलेक्ट रेंज, हमने रेंज को सेलेक्ट करना है जितनी रेंज में हमने टेक्स्ट को रखना है। ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और प्रेस कंट्रोल डी। सेलेक्ट एडवांस बटन फ्रॉम करेक्टर स्पेसिंग, स्केल 100%, स्पेसिंग नॉर्मल, एक्सपैंड कंडेंस by change PT position normal raises slower than press OK। हमने क्या करना है, MS Word को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को बिल्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हमने इसमें करेक्टर स्पेसिंग करनी है, तो हमने क्या दे करना है, यहाँ पे हमारे पास होम पे टैब में फ़ोन के ग्रुप में ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे क्लिक करने से हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी प्रेस करने से हमारे सामने यही टैब ओपन होगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एडवांस के बटन पे हमने क्लिक करना है और स्केल हमने यहाँ पे पहले स्केल डिफाइन कर लेना है। ठीक है, स्केल हम जितना भी देना चाह रहे हैं, मीन्स का 90% देना चाह रहे हैं। स्पेसिंग हमारी क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, एक्सपेंडिंग या कंडेंस्ड, वो हमने अपनी फाइल के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे पहले नॉर्मल सेलेक्ट थी, लेट्स सपोज हम इसको एक्सपैंड करते हैं बाय 1 BT। हम इसको करते हैं लेट्स सपोज 2 करते हैं। ठीक है, पोजिशंस भी हमारी हम इसको कर देते हैं रेस्ट, तो यहाँ पे 3 BT ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर्निंग फार फॉन्ट्स 11 कर देते हैं। देन हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, ओके करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया, अब हमने जितनी भी सेटिंग की थी वो क्या, कोई भी सेटिंग हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो फॉर्मेटिंग करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी। देन अब हमने इसकी करनी, अब हम इसमें सारी सेटिंग अप्लाई करते हैं। स्केल हमें देना है 80% एंड स्पेसिंग हमारी नॉर्मल थी, हम इसको एक्सपेंडेड कर देते हैं। पोजीशंस हमारी क्या थी, नॉर्मल है ऑलरेडी, तो हम इसको रेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कीपिंग फॉर कर्नल फॉन्ट्स कर देते हैं, और यहाँ पे 1 था तो हम इसको कर देते हैं 2। 2 करने के बाद देन हमने इसको क्या कर देना है, प्रेस ओके करते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट इस तरह से चेंज हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि करेक्टर्स के बिटवीन भी स्पेस आ गई है। करेक्टर्स के बिटवीन जो हमने फ़ोन सेलेक्ट किया था, फ़ोन का साइज़ भी उतना हो गया, हमने 11 किया था, तो ये देखें हमें 11 शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग लफ्ज़ों और लाइनों के दरमियान स्पेस या लाइन की पोजीशन को चेंज करने के लिए, ये तो हमारी अब करेक्टर्स की हुई है। अब हमने अगर लाइन की पोजीशन को चेंज करना है, हमने इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने पैराग्राफ के ग्रुप में ये देखें, यहाँ पे हमने लाइन स्पेस को ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 1.0 चाहिए, 1.0 में लाइंस के दरमियान बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगी। 1.5 के बाद बिटवीन थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी एंड 1.5 उससे ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह 2.0, 2.5, 3.0, एड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस फ्रॉम पैराग्राफ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लफ्ज़ों और लाइनों के दरमियान स्पेस या पोजीशन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर सेलेक्ट की गई सेटिंग्स को मुश्किल तौर पर स्टोर करना है, तो ओके से पहले डिफ़ॉल्ट का बटन प्रेस करेंगे। ये क्या है, ये हमने दोबारा से कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद ये जो सेटिंग हमने अपनी कस्टम सेटिंग की थी, अपनी मर्जी से सेटिंग की थी, अगर हम चाहते हैं कि हमें बार बार जैसे ये वाली सेटिंग ना करनी पड़े, अगर हमें यही वाली सेटिंग चाहिए रिपीट एंड रिपीट, तो हम क्या करेंगे, इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट पे करेंगे। अब जब भी हम अपना कोई भी पैराग्राफ एमएस वर्ड में राइट करेंगे, तो हमारी जो हमने सेटिंग की हुई है यही सेटिंग रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही वाली सेटिंग शो करवाएगा। तो ओके करने से पहले आपने क्या कर देना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है अगर आपको यही वाली सेटिंग चाहिए तो। इन केस आप उसको जो पहले नॉर्मल थी आप उसको वैसे ही रहने दें, करने के बाद आप ओके प्रेस कर दें, तो आपकी ये वाली जो सेटिंग हमने अब सेट की है, तो ये सेट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, तो आपको ये वाली सेटिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी करेक्टर स्पेसिंग, कि किस तरह से हम लोग लाइनों
और पोजिशन टेक्स्ट के दरमियान पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।